नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल टीपी फार्मेसी में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम बताएंगे आपको आर्टिफिशियल पॉल्यूशन के बारे में। दोस्तों आर्टिफिशियल पॉल्यूशन क्या होता है इस बारे में बताएंगे। सोर्स यह एक सोर्स है आर्टिफिशियल पॉल्यूशन का। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देखें तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए शॉर्ट तरीके से वीडियो बनाते रहेंगे आपके अगर आएंगे हम फार्मेसी की अच्छी तैयारी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ज्वलन की क्रिया वायु को प्रदूषित करती है। ज्वलन से वायु में CO, CO2, SO2 गैसें वायुमंडल में एकत्रित हो जाती हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट है, उद्योगों में धुआं जिसमें ठोस कण राख अधजले कार्बन कण S2S, SO2, SO3 गंध आदि होते हैं जो वायु को प्रदूषित करता है। इसके बाद थर्ड पॉइंट है, उद्योगों का निस्त्राव जल धाराओं को प्रदूषित करता है। जब वो करते हैं उन्हें धोते हैं या वो करते हैं साफ करते हैं। तो पॉइंट नंबर 4, धूम्रपान करना मुंह ढककर सोना भी प्रदूषणकारी होता है। पॉइंट नंबर 5, जो स्प्रे पेंटिंग होती है ढोलक तेल निकालना, स्याही बनाना, फर्नीचर रंगना आदि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। पॉइंट नंबर 6, कीटनाशकों का प्रयोग जल को प्रदूषित करता है। पॉइंट नंबर 7, खनन कार्य से भी जल प्रदूषित होता है। पॉइंट नंबर 8, घरों को कूड़ा कचरा भी जल को प्रदूषित करता है। जो घरों का कूड़ा कचरा होता है वो भी जल को प्रदूषित करता है। पॉइंट नंबर 9, वाहन लाउड स्पीकरों आदि का शोर ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है। जो वाहन होते हैं उनका लाउड स्पीकर होता है उससे भी ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है। ऐसे बहुत से और भी ऐसे बहुत से पॉइंट हैं जिससे कोई ना कोई प्रदूषण जरूर होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए कराएंगे अच्छी तैयारी डिफार्मेसी की। तो चलिए दोस्तों अपने नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।